तो नए कश्मीर का उदय आज और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले का इनेलो ने भी स्वागत किया। इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का क्या असर होगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अरोड़ा से। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पर लिए गए फैसले का इनेलो ने स्वागत किया है। इस समय मेरे साथ हैं इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अरोड़ा। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारी आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के अनेकों जवान शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं। और आज जो केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला आया जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि भारत एक देश है और एक ही कानून लागू होना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। अरोड़ा जी, आज क्या फैसला लिया है केंद्र की मोदी सरकार ने? केंद्र की सरकार ने जो आज फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी मांगाना जाएगा, जो उसको विशेष दर्जा दिया हुआ था उस विशेष दर्जा को हटाकर आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो भारत का एक राज्य रहेगा और केंद्र शासित राज्य रहेगा। तो ऐसे फैसले बहुत पहले होने चाहिए थे। भारत देश के अंदर चाहे कोई नागरिक रहता है, भारत सभी धर्मों का देश है और इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, परंतु देश का कानून सबके साथ एक होना चाहिए, देश का संविधान सबके लिए एक होना चाहिए। और ये फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अरोड़ा जी, धारा 370 हटने का व्यापार पे क्या असर होगा और आम जन पे क्या असर होने वाला है? सही मायनों में मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग जो बहुत अरसे से आतंकवाद की पीड़ा झेल रहे हैं, बहुत अरसे से गरीबी को झेल रहे हैं, असली फायदा जो है और कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़कर वहाँ की जनता भी इसका स्वागत करेगी, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष दर्जा खत्म होने से देश के बाहर के लोग भी जाएंगे, वहाँ इंडस्ट्री भी जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिक आज इसका स्वागत करेंगे। ये थे मेरे साथ इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अरोड़ा। इन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर आज फैसला लिया है, उसका इनेलो स्वागत करती है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले से आम जन को फायदा होगा, केवल कुछ राजनीतिक लोगों को नुकसान हो सकता है, बाकी किसी को नहीं। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।